प्रयागराज में जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अवरक्षा में हत्या हुई, किस तरह से सोचते हैं आप? एक्चुअली इस तरह की घटनाएं तो सभ्य समाज के लिए सदैव निंदनीय हैं और निंदा की जानी चाहिए और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे से विवेचना होनी चाहिए। जिस तरह से ये घटना हुई, ये एकदम एक तरह से आकस्मिक हमला इसको कह सकते हैं, एम्बुश कह सकते हैं, बहुत प्लान तरीके से किया गया। तो इसलिए जो पुलिस वहाँ थी, इतने अल्पकाल में उन्होंने ये आक्रमण किया कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने भले सरेंडर किया, लेकिन वो चाहे तो भागने का भी प्रयास कर सकते थे जब उनके पास वेपन थे तो। लेकिन जब पुलिस ने उनको पुलिस के घेरे को देख के उनको मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस ने भी अपना जो वास्तविक कर्तव्य था उसका निर्वहन किया। यदि भी किसी भी कर्तव्य निर्वहन में और अच्छा होने की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। तमाम लोगों की टिप्पणियां ये हो रही कि पुलिस ने रिटेलिएट नहीं किया, ये नहीं किया। पुलिस अगर रिटेलिएट करती तो ये सारा सब कुछ खत्म हो जाता, ये पता ही नहीं लगता कि क्या हो, कैसे हुआ, किसने मार दिया, क्यों मार दिया। तो वो लोग अभी जीवित पकड़ लिए गए हैं। तो कोई भी एजेंसी जो होगी या कोई भी जांच की एजेंसी होगी, वो उनसे पूछताछ करके उस स्रोत तक पहुंचना चाहेगी जहां से ये इन माने मर्डर ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों व्यक्ति जैसा कह रहे हैं कि हम अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ये करने के लिए मैंने ऐसा किया है, इसमें यथार्थ है। निश्चित रूप से इनका स्विच कहीं और है जिन्होंने ये हत्या कराई है। बीच में एक आध बार मीडिया के माध्यम से मुझे भी ज्ञात हुआ था कि जब ये अतीक वगैरह से पूछताछ हुई थी तो इन्होंने बताया था कि हमको वेपन्स इत्यादि पाकिस्तान से ISI के थ्रू या ड्रोन के थ्रू ड्रॉप करके पंजाब से मिलते थे। तो वो भी एक स्रोत हो सकता है इनकी हत्या का, इसलिए कि ISI काफ़ी बड़ी वो है और पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं वो कराती रहती है। तो इंडिया की एजेंसीज वहाँ तक ना पहुँचें इसलिए भी हत्या हो सकती है। और अतीक अशरफ ने इस तरह के जघन्य अपराध कराए हैं और किए हैं अपने जीवन काल में कि बहुत से लोग उनके इस तरह के दुश्मन होंगे जो उनको मारना चाह रहे होंगे या उनको इस तरह से उनका समापन चाह रहे होंगे। ये तो इन्वेस्टिगेशन ही तय कर पाएगा कि ये किस कारण से हुआ है। लेकिन मैं कदाचित सहमत नहीं हूँ कि ये तीनों लोग जो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने कि हमारा नाम हो जाए इसलिए मैंने ये मर्डर किया। एक आदमी हमीरपुर का, एक आदमी बांदा का, एक आदमी कासगंज का, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह के इम्पोर्टेड वेपन, तो ये सामान्य अपराधी इसको पा भी नहीं सकते वाले। तो ये है, और बाकी अब एजेंसी जांच करेंगी, जांच करके जो उसका निष्कर्ष निकलेगा वो आएगा। पुलिस के लोग भी सस्पेंड कर दिए गए हैं तो उनका दायित्व निर्वहन करने के लिए भी जांच इत्यादि होगी। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, पुलिस ने अपना कार्य संतोषजनक किया और उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, इसलिए मैं उनके कार्यों में किसी तरह की कोई शिथिलता ये नहीं मानता। क्या लगता है, आप तो पुलिस विभाग में रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो थे संख्या पुलिस की वो कुछ कम रही? नहीं, अब स्पोर्ट्स रूल्स का मुझे इस समय ज्ञान नहीं है कि दो, लेकिन दो अभियुक्तों के लिए 17 आदमी बहुत होते हैं। स्पोर्ट्स रूल्स इसको ब्रीच नहीं करेगा, लेकिन अब वो अपराधी चूंकि काफ़ी बड़े थे तो काफ़ी बड़ा स्कोर्ट इत्यादि उनके साथ चल रहा था, तो 17 आदमी भी ठीक थे, पर्याप्त थे, तभी तो पकड़ लिए गए। वो कम नहीं थे, एकदम कम नहीं थे। अब लोग लेके आए उनकी, अब ये अतीक और वो दो अपराधियों के लिए तो 4-5 आदमी पर्याप्त होते हैं, लेकिन चूंकि बड़े अपराधी थे, बड़े माफिया थे, इसलिए पुलिस ने प्रिकॉशन लिया था। लेकिन जो ये घटना होनी थी वो हो गई। एम्बुसेज में देखिए, ये एम्बुस ही मैं इसको कहूँगा, अचानक आक्रमण। एम्बुसेज में आप देखिए आर्मी फंसती है तमाम, अब इधर तो कुछ एम्बुसेज कम हो रहे हैं, नहीं तो जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में इधर जो हुआ करते थे एम्बुसेज, उसमें आर्मी फंसती है तो उससे उनका निकल पाना मुश्किल होता है। तो ये तो पुलिस के सामान्य कर्मचारी अधिकारी जो उनकी ट्रेनिंग थी उसके अनुरूप उन्होंने रजिस्ट किया, रिटेलिएट किया और अभियुक्तों को पकड़ लिया, उनको बचा नहीं सके वो, उसमें वो संभव भी नहीं था। अगर किसी भी एम्बुस में अगर इस तरह का आक्रमण होगा तो कोई रेजिस्टेंस कुछ कर नहीं सकता वहाँ ने। मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि अगर कोई व्यक्ति तय कर ले कि मुझे मरना है, भले मैं मर जाऊँ लेकिन मुझे अपने निशाने को मारना है, अपने टारगेट को मारना है, तो इसके अगेंस्ट अभी पूरे विश्व में कोई सिक्योरिटी नहीं है, न तो US में, न तो हमारा जो स्कॉटलैंड यार्ड जो सबसे अच्छा पुलिस कहा जाता है वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो पुलिस के लोगों ने संतोषजनक कार्य किया, अभियुक्तों को पकड़ लिया, इनको मरना था वो मरे, वो चूँकि तय करके आए थे इसलिए वो मरे। तो इसलिए
आपने अतीक अहमद उसके पिता को भी गिरफ्तार किया था और सर के बारे में भी जानते हैं, किस तरह का मतलब था इनका? एक्चुअली 96 में इलाहाबाद में एक घटना हुई थी। अशोक साहू नाम का युवक थे और ये अशरफ थे, दोनों लोग सड़क पे गाड़ी से जा रहे थे तो ओवरटेकिंग की बात को लेके कुछ कहा सुनी हुई, दोनों गाड़ियाँ रुक गई, बाद में आपस में कहा सुनी हुई, फिर विसर्जन हुआ, अशरफ चला गया अपनी तरफ और ये जो है आती क्या कहते हैं अशोक साहू लौट गए। लेकिन फिर जब उनको पता लगा, उनको मालूम उस समय नहीं था जिस समय बातचीत हुई कि अतीक के भाई हैं, जब पता लगा तो अतीक के घर पे गए और जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अतीक अहमद से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं जानता नहीं था आपके बारे भाई के बारे में। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है लेकिन जाओ। और उसी के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही संभवतः, सिविल लाइंस की स्ट्रीट्स में सड़कों पर गोली मार के उसको भून दिया गया उस युवा को। तो इसी से आप समझ सकते हैं किस तरह का 96 की ये बात है, किस तरह के ये लोग थे, किस तरह का अपराध ये करते थे। विधायक को भी जो इन्होंने मारा, आप देखे कि इस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा, बाद में वो इंजर्ड स्थिति में जब ऑटो रिक्शा से जा रहे थे तो उस पर भी अटैक किया गया। तो इन तो जघन्य किस्म के और ख़तरनाक अपराधी थे, माफिया रूप में थे और पोलिटिकल शेल्टर इनको मिलता था, इस कारण इस लेवल तक पहुंचे थे। हाँ, क्या लगता है आसफ का इनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक का जो आपराधिक साम्राज्य था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर अभी? नहीं देखिए, आपराधिक साम्राज्य इस तरह से एक आदमी के अकाउंट फायर करने से नहीं खत्म होता है, वो तो चलता ही रहता है। और त्रेता युग में भी अपराध होता है तो सोसाइटी में अपराध होते रहते हैं, लेकिन ये जब इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम सही ढंग से करती रहती हैं तो कानून का भय लोगों में रहता है तो अपराध थोड़ा कम होता है। अभी आप नहीं कह सकते इसलिए कि उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे ऑलरेडी जेल में हैं क्रिमिनल एक्ट के कारण, माने उसकी पत्नी, देखिए सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, लेकिन ये इतनी घटनाएं हो गई लेकिन अभी तक उनको, पत्नी को नहीं पकड़ा जा सका। तो यहाँ अपने भारत में महिला अपराधियों का भी बड़ा इतिहास रहा है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा संतोष लोगों को हुआ होगा जिनके साथ उसने जघन्य अपराध किए थे, वो प्रसन्न भी होंगे, संतोष भी हुआ होगा, प्रशासन को भी संतोष हुआ होगा कि इतने बड़े माफिया का इस तरह से अंत हुआ होगा। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।